नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना। वर्तमान सबुठ बड़ चर्चा जे हैदर फरार होई जाइछि, हैदर बोध हुए बांग्लादेश जाइछि। एक कथा कहिछंती पूर्वतन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जणे, एवं तांकर कहिबा कथा केन्द्रापड़ा रे हैदर रो फलो नेटवर्क रहिथिला। तेबे हैदर फरार हबार 2 घंटा परे पुलिस छानबीन आरंभ करथिला। ए समय पर्याप्त थिला हैदर पई, से केन्द्रापड़ा जाइथिबो एवं केन्द्रापड़ारु बांग्लादेश जहाँ हार्डली 4-5 घंटा समय लागिबो जलपथ दे जिबा बेले, एवं बिरियानी दे बांग्लादेश खसी पळेबा पई हैदर सक्षम होईछि। ये चर्चा वर्तमान अधिक खोराक जगौछि एभले एक खबर को। ए बाबदर अधिक आलोचना करबा पई विश्वजीत मो सहित जोड़ी होईछन्ति कटक प्रतिनिधि। विश्वजीत, ए खबर को नहीं चर्चा थमु नाही, एवं कुहा जाउची आ पछरे बड़ बड़ ऑफिसर का हाथ अछि। ये डिसेंबर होइतला षडयंत्र किभळी भाबरे हैदर फरार हेबो, कोन अपडेट? आ कथा तो एक कथा जो पछरे आलोचना करिया, किंतु बड़ कथा होची जो सुरक्षाकर्मी माने जो होटल रहितले, आमे से होटल रहिचु, आमे से तो होटल मैनेजर मध्ये अछंती, जा कह जाउची सुरक्षाकर्मी जो रहितले 6 जण, दुईटी रूम बुकिंग करथिले, गोटी होची 201 आ गोटे 110, से रूम काल रात्रि से छाड़ी देइछंती, गत अंबित रात्रि रे काल चेक आउट करिछंती। एने अधिक आलोचना करबा, कोन कहिबे काल जो सुरक्षाकर्मी माने बुकिंग करथिले जो रूम नैथिले, केते बेले चेक आउट करले, के के आसथिले? से 4 जण लोक आसथिले मोहम्मद मौसुम छाड़िकेना, आ रेस्ट 4 जण लोक आसथिले, 2 जण लोक आसी नथिले, और से राति 11:40 रूम को चेकआउट करें। आम रूम टा रात छाड़देबु, अबिका पलेबु, आम बस आसीगला, आम अबिका पलू, आम सा लगेज फगेज आम कहूँ बाहर कर नहीं आस, से लगेज बाहर कर नहीं आसे, आसला रूम चाबी आमको दे, आमर भी गोटे 800 टाँग बाकी गत दिन से चाबी दे, सिग्नेचर गोटे करना पड़े। टोटाल 15,200 टाँग आज पर्यंत गत काली पर्यंत पेड होता, आउ 800 टाँग जो बाकी 15,200 टाँग मिसेकना टोटल 800 टाँग का देखना गले 14,400 का 800 पैसा से पुलिस भाई मैंने दे जो रूम टी खाली छाड़े चेकआउट कले पूर्व गोटे रूम छाड़ी देते कल जो रूम छाड़े क्या ना बुकिंग होता है से रूम टा आम उमाकांत बेहरा ना रूम टी बुक होता है उमाकांत बेहरा निजे भी कल आस रूम चेकआउट करने 11:40 गले आसते ना से केवल सुरक्षाकर्मी आसते सुरक्षाकर्मी मैंने ही आसते जो मैंने थे जो 6 जन थे 6 जन 4 जन आसते 2 जन आसी नथिले एमडी मौसुमी आसी नथिले एमडी मौसुमी आसी नथिले आउ जने के हबा आसी नथिले आउ जा सुनुथले विश्वजीत ए सब कथा रो गोटे प्रश्न तो साधारण रे उठिबा स्वाभाविक जे बाराक रे न रहि के लॉज रे काई के रहिले कर्मचारी सही प्रश्न काली ठारु असमित प्रश्न अनेक त्रुटि विचय सामने आसला काली मध्ये आउ गोटे कथा सामने आसला कि जो पुलिस अधिकारी जो एस्कॉर्ट रे आसिले हैदर को जगिया पे सेमाने मेडिकल रे रहनुथले सेमाने होटल रे रहनुथले एनेक मध्ये अनेक प्रश्न सृष्टि होची जदि रहिबा कथा सेमाने पुलिस बारक रहिबा कथा राज्य पुलिस किंबा एठाकार पुलिस सेमाने व्यवस्था करिया कथा सेमाने कोठी रहिबे किंतु सेमाने होटल रहनुथले आकु नै मध्ये गोटे बड़ संदेह सृष्टि होची जो कर्मचारी मैंने आसते सेमानकु किए रखिथला काहेकि रखिथला एवं सेमानकु पैसा किए देउथला एवं जदि सेमाने एठी रहिथले सेमानकर जे पठाइथले जे सुपरिटेंडेंट जे थिले जेल सुपरिटेंडेंट कि जेल डीआईजी सेमाने जानिथले कि मैंने होटल रहउछन एनेक मध्ये अनेक प्रश्न मैंने सृष्टि होची आम मन हो साधारण लोक मन निश्चित भाव में कौट ना कौट सुरक्षा व्यवस्था ढिला था एवं जो दिन हैदर फरार है से दिन जड़े सुरक्षाकर्मी थी अन्य सुरक्षाकर्मी मैंने होटेल थे मन में हो आम मन में हो समस्त मन में गोटे प्रश्न प्रश्न उत्तर से मिलो जो डीजीपी मुह खोलिबे कहीं चुप अच्छा डीजीपी निश्चित भाव देखु कौन वरिष्ठ अधिकारी एपर्त विषय में मुह खोल ना अनेक चर्चा आसूँ अनेक विभाग त्रुटि सामना को आसूँ आप बुर्लार भीमसा मेडिकल कथा कहतु एससी मेडिकल कथा कहतु पुलिस सुरक्षा व्यवस्था कथ कहतु स्थानीय पुलिस कथा कहतु देखो प्रथम दिन जो दिन 23 तारीख दिन हैदर आसते से दिन बुर्लार रेफर हेले से दिन से एसपी संबलपुर एसपी कौन सूचना देते कटक डीसीपी को तापर एससीपी आडिशन एससीपी कर्तृपक्ष कौन सूचना देते स्थानीय पुलिस को ये गोटे त्रुटि आउ गोटे त्रुटि होते से आसी निश्चित भाव में मंगलाबाग पुलिस जनवा कथा आउ गोटे कथ सुरक्षा व्यवस्था कथ सुरक्षा व्यवस्था कथ पुणी ढिला रही है और जो सुरक्षाकर्मी आसते जगियापाई एस्कॉर्ट से होटेल रोला एक अनेक त्रुटि सामना को आसूरी कह जाए गोटे त्रुटि ना षड्र जहाँ कह समय मन में गोटे प्रश्न त्रुटि
जदि होता है सांघातिकता जो षड्यंत्र होता है यह सांघातिकता देखो गोटे बड़ कथा हूँ या भितर अनेक कथा सामना को आसूस कौन वरिष्ठ अधिकारी डीजी कहतु पुलिस पुलिस जो जेल सुपरिटेंडेंट कथा कहतु अन्यथा डीआईज कथा कहतु देखो या भितर अनेक कथा आसूसी अनेक बिवाद आसूसी असमय प्रश्न प्रश्न परे प्रश्न रे छंदी होउची गोइंदा विभाग तथापि मुह खोलु नाहंती डीजीपी एवं को परिस्थिति रे एते बडे एक घटना राज्य रे घटी गला ता परे मध्ये डीजीपी नीरव एवं गृह विभाग मध्ये चुप रहिची ताकुने सबुठ बड प्रश्नवाची एवं बड ऑफिसरकर संपृक्ति निश्चय भाबरे एथिरे रहिची ए संदेह आहुरी अधिक दृढ़ीभूत होउची। मु फेरिबी आपनको पक्को किंतु केंद्रापड़ा प्रतिनिधि प्रभात लेंका वर्तमान जोड़ी होइछंती। प्रभात, जो चर्चा वर्तमान करा जाउची जे बिरियानी देई हैदर बांग्लादेश पळेबारे सक्षम हैला एवं केंद्रापड़ा रे तारो नेटवर्क बहुत स्ट्रांग थिला, तारो लिंक बहुत स्ट्रांग थिला, जोति पई घटना घटिबा बा फेरार हबार 2 घंटा परे पुलिस छानबीन आरंभ कला बेळकु एपटे चंपट मारी सारी थिबो हैदर ए कथा कहा जाउची। हैदर गोटे हार्डकोर क्रिमिनाल जदि कह से 16 वर्ष रु क्राइम आरंभ करता जो अनेक नजरी रही से गोबरी नदी में तीन दिन बुड़ी रही है तेज जब कह कौन मठ कि मस्जिद में लुचि जबार तार बहुत आगर रही रेकर्ड रही जदि कह से कटक रु फेरार हो घंटे 20 मिनिट भर केन्द्रापड़ा पहुंच जदि कह सहयोग गिरफ्त अब्दुल से कहते कहते कि से हैदराबाद जाटा निश्चित भाव में कह गोटे केन्द्रापड़ावासी सहजे यहाँ ग्रहण करना केन्द्रापड़ावासी मन में आसूसी सी निश्चित भाव में ये जो आम जम्बू घाट रही जम्बू घाट कि कर्णासी रही कि बतीघर रही जो अंचल रही कि समुद्र तटवर्ती अंचल सब सब समय जो अनुप्रवेशकारी बांग्लादेशी मैंने आसता गोटे लिंक थाए जो डंगा साहजे सीधा सड़क कौन से चेकिंग न था कौट आउटपोस्ट न था सीधा सड़क बांग्लादेश पहुँचे तेरे यही जो प्रक्रिया रही निश्चित भाव में आम सीधा सड़क कहींपर जे कि सन्देह घनीभूत होबार लगुच कि आम जे हैदर निश्चित भाव में बांग्लादेश पड़ जाए जदि बांग्लादेश से न जाए कलकतारे लुचि थपे कारण ये जो समुद्र तटवर्ती रही नौका साहजे बांग्लादेश को रही जीवापी स्थल जल भाग रही बांग्लादेश को रही कलकाता को सीधा सड़क रही हैदर समय लगी कटक एसीबी रु केन्द्रापड़ा कथा जो कह 70 किलोमीटर डिस्टेंस एवं तापरे केन्द्रापड़ा रु बांग्लादेश पहुंचा 4-5 घंटार समय तो लगी निश्चय जल भाग में निश्चित भाव में कह श्रुतिलेखा जल भाग में निश्चित भाव में 5 घंटार समय लगे जितेबाला पुलिस चारिड़े केन्द्रापड़ा जाजपुर कि कटक नाकाबंदी करता आराम से जाइए कि समय तो राति था से राति आराम से जापार कितु जदि कह मत्स्यजीवी मान सहित से लिंक रही पलि बर्तमान जब कह अनुप्रवेशकारी बांग्लादेश सबुदिन सबू समय आसी पहुँचे तो ये समय ये गोटे इजी गोटे इजी प्रक्रिया हैदर सीधा सड़क बांग्लादेश पलि तेरे पुलिस तो ये ना जदि कह से जम्मू बेरेन थाना रही थाना कर्मचारी 2-3 जन से जगुच्चे जापर सुमृति लग्ना निश्चित भाव रे केन्द्रापड़ा रे किंतु कौन चर्चा होउछे जो कथा आपण कहउथले से पानी भितरे 3 दिन लुची रही पारे ये होउछे हैदर रो इतिहास एवं हैदर पूर्वरो अनेक घटना एमिति घटेइछे जहां चकमा देइछे पुलिस को तो आहुरी अधिक सजग रहिबार आवश्यकता थिला किंतु घटना को एवं हैदर को उभय को खूब सहज हिसाब रे ग्रहण करा गला। निश्चित भाव में डेफिनेटली कह से हैदर गोटे हार्डकोर क्रिमिनल जोटा कि तार लिंक रही आतंकी लिंक रही किदिन तेल गुंदा विभाग आतंकी लिंक हैदर टिटो सहित था जदि कह से गोटे छोटमोट क्रिमिनाल नुह तेब यहीप्रेक्षी कह जो पुलिस पारिवा पड़िया को नहीं साधारण जनता प्रश्न उठाऊँच जदि कह होम डिपार्टमेंटर कौन कार्यकारिता रही एमती अनेक आईनजीवी केन्द्रापड़ार प्रश्न उठाऊँच तेज सबू जदि तर्जमा कर तेज घंटे 20 मिनिट और 4-5 घंटा भितर से बांग्लादेश पहुँच जापार स्पीड बोट रही जो स्पीड बोट में मछ धरुच मछुआर मैंने जापार।
निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष सूचना प्रभात लेंका मो प्रतिनिधि अधिक सूचना दौले विश्वजित पाक को फेरवा विश्वजित गोटे चर्चा जे हाइदर को फेरार करिबारे बड़ ऑफिसर हाथ रही थाई पारे एवं क्राइम ब्रांच कथा कहतु डीजीपी कथा कहतु गोइंदा विभाग कथा कहतु समस्त वर्तमान नीरव द्रष्टा साजिंट कहार कौन से प्रतिक्रिया सामना को आसुना अवहेला तो होता तो मानवाक पड़ो कि उद्देश्य कौन थे हाइदर को फेरार करने पक्ष अवहेला नुह एटा चरम अवहेला कह पार आपत देखु कौन वरिष्ठ अधिकारी एपर्त मुह खोलना दोष लदालदी हो देखु ये तापर दोष लदुची सी तापर दोष लदुची केवल निजर विभाग बचापी गोटे प्रकार दोष लदालदी हो देखु जो एम डी मौसम कथा कहतु से मैंने जितेबाला एफआईआर कर मंगलवार थाना एफआईआर करते किए आसिक विश्व फोपड़ा मुह को कितु जो दिन हाइदर फेरारा से दिन जे नर्स स्टाफ स्टाफ नर्स थे जो दिन ड्यूटी थे सी कह कथा बिरीयी समस्त मिसिक खाते सी अचेत हो जाते अचेत होगापर हाइदर फेरार होता देखो एफआईआर गोटे कथ कौन जी एम डी मौसम जो एफआईआर कर मंगलवार थाना जे स्टाफ नर्स अच्छे सी आ गोटे कथ कौन कहार क्या कथ सागे तलमेल खाऊना देखो जेल डीजी कहे धक्का मारि पड़ा कितु तापर अवस्था एम डी मौसम लिखिंट एफआईआर मो मुह को विष फोपड़ा जाए अचेत हो गली मुझे जापारी ना तो अपर कहार कहार ये दोष दोष लदालदी भितर कोटना कोटी चरम अवहेला है जहाँ फल लदालदी तो हूँ परस्पर कथा तालमेल रोना सी सब अभावन घटना निश्चित भाव से कथा मुझे कहती देखो डीजी गोटे कथ कौन स्टाफ नर्स जन गोटे कथ कौन एम डी मौसम जे घटनास्थल में था सी गोटे कथ कौन कहार क्या कथ सहित तालमेल हो कारण कौटना कौटि पर दोष लदी निजे खसी जा चेषा कर आ गोटे कथ एसीबी गोटे चरम अवहेला कर स्थानीय पुलिस की जड़े ना जहाँ कल जरूरकालीन अधिकारी सूचना देते कि आमर त्रुटि रही आम स्थानीय पुलिस को जड़ेनु ये गोटे अवहेला सामना को आसा एसीबी आ गए बड़ कथ भितर याकूब को कल रिमाण्ड में नि रिमाण्ड में द्वितीय दिन निश्चित भाव में पुलिस कौटना कौटी तुम्हें किसी सुराग पाइब और हाइदर कथे पहुंचा चेस्टा कर कि हाइदर सहयोगी भाव गिरफ्त कर सी स्वीकार कर फेरार पचर तार हाथ रही है याकूब्र निश्चित भाव में कल जो सात दिन रिमाण्ड रही निश्चित भाव में किसी ना किसी कथ उगा मुझे प्रथम आप जो सुरक्षाकर्मी मैंने रोते जो लज्रे प्रथम से जो रूमटा रही शहे दस रूम जो उमाकांत बेहरा एम डी मौसम ना कल होता बुकिंग होता ये हूँ से ही रूम जी का रात्रि 11:30 रे जो रूम को से चेकआउट कर सुरक्षाकर्मी रोले ये हूँ तार से ही रूम आ भितर दृश्य मुझे आपको देखेबि यही रूम्रे से पाखापाखी छः जन सुरक्षाकर्मी यही रूम्रे रोते मौज मजिश करुले जगुते से जड़े सुरक्षाकर्मी जहाँ फल हाइदर खसी जीवर सफल होती कौटना कौटी गुईंदा विभाग कथा कहतु पुलिस अधिकारी कथा कहतु जेल विभाग कथा कहतु अवहेलाई ये घटना घटी अवहेला ना षड्यंत्र गोटे साधारण चर्चा है वरिष्ठ पुलिस जड़े ग्यांगस्टर को जगवा जड़े सुरक्षाकर्मी पुलिस बाराक रहा परिवर्ते लॉज रे रोचंती मौज मजलिस करचंती ए उत्तर मध्य हमको एबे पर्यंत मिलला नाही कैबिन अरेंज एसीबी रे हाइदर पई करथिला कि से कथा मध्य बड बड गुरुत्वपूर्ण कथा जेते बेले 23 तारिख दिन हाइदर सी पहुंचला से ही दिन ही केबिन इश्यू करथला हाइदर जहाँ कल जरूरकालीन अधिकारी सूचना देते कि केबिन किए इश्यू करथला ना हाइदर ही लिखिकी देते केबिन इश्यू करने जिते बड़े प्रश्न उठू जिते साधारण लोकटी केबिन इश्यू कै ताक मिले ना दीर्घ दिन धरी से तले पड़ कि चिकित्सा हुए हाइदर को किभ से ही दिन मिलगला केबिन किए सुपारिश कला जो हाइदर लिखा कथा एसीबी सुपरिटेडेंट को सुपरिटेडेंट एसीबी सुपरिटेडेंट जन कथ जेल सुपरिटेडेंट को यह सब कार्य होता तो आपको नहीं बड़ प्रश्न और जो दिन सी अप्लाई कर कैबिन से ही दिन मिल जाऊँच कि साधारण रोगीटा को मिलूना आपको नहीं गोटे बड़ प्रश्न कौटना कौटी एसीयू विभाग त्रुटि उपर प्रश्न सृष्टि होती है एसीयू मध्य कल जहाँ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नाकाबंदी करागला कटक रे जाजपुर रे केंद्रापड़ा रे किंतु सी खसी जाइछि बोली के सूचना होजे बांग्लादेश जदि नाकाबंदी करागला किछ समय भरते
ଭିତରେ ତାହେଲେ ସେ ଖସିଗଲା କିଭଳି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଫନର ସୂଚନା ଦେଲେ ଥାନାକୁ, ଫାଣ୍ଡିକୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଫାଣ୍ଡିକୁ ପାଖାପାଖି 4:30 ସମୟ କି ହାଇଦର ଏଠାରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ କଏଦୀ ଥିଲା, ସିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। 7:15 ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟାର ବିଳମ୍ବ ପରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ହୁଏତ ହାଇଦର କଟକ ପାର କରିଯାଇଥିବ। କିଭଳି ପୋଲିସ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ଧରିଦେବା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ହାତ ଏବେ ବି ଖାଲି ରହିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଲା ବିଶ୍ୱଜିତ, ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଡିଜିପି ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତାହା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କାହିଁକି ହବନି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବଡ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଯଦି ଏ କଥା ମିଛ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ, କ୍ୟାବିନ କିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ହାଇଦର ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା, ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି କି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କାହାର ନା କେଉଁଠି ହାତ ରହିଛି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ କିଏ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ବା ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ, ଜେଲ୍ ଡିଜି ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାରି ହେଉଛି, ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ପର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ଥିଲେ ନିଜିତ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବଡ଼ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲଜ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି। ମତେ ବିଶ୍ୱଜିତ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୁହେଁ, ଲଜ୍ କାହିଁକି ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖରୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ମାସ 23 ତାରିଖ ଯେଉଁଦିନ ହାଇଦର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଲଜ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିବେ 5:45 ଲଜ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟି ରୁମ୍ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ 201 ଆଉ ଗୋଟେ 110। 201 ଲଜ୍ଟି MD ମୌସୁମ ନାଁରେ, ଯିଏ FIR କରିଥିଲେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବୁକିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତା ପରଦିନ ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 201 ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ 110 ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ବୁକିଂ କଲା କିଏ ଏବଂ ଆର ପଇସା ଦେଉଥିଲା କିଏ, ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହୁଥିଲେ ଲଜ୍ରେ? ନିଶ୍ଚୟ, ଯେତେବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହାଇଦର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଚେକିଂ କରୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଅତି ହାଲକା ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାର ନଜିର ସେଇ ଭିଜୁଆଲ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହାଇଦର ବସିଛି କି ଏବଂ ହଁ ବା ନା ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସବୁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବ୍ଲକିଂ ଏବଂ ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡମ୍ପର ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲା, ବାଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲା ଏବଂ ପଚାରିଲା ଏଥିରେ ହାଇଦର ଅଛି କି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, କେତେ ଭାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଏବଂ କବାଟ ବାଡ଼ିକି ଚୋର ଡାକିଲା ଭଳି ଡମ୍ପର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା କି ଏଥିରେ ହାଇଦର ଅଛି କି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚେକିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଭଳି ଚେକିଂ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ହାଇଦର ଖସିଯାଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ସିପି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ରାତିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରିଦେବୁ ହାଇଦରକୁ। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦମ୍ଭକ୍ତି ଦେଖି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା କୋଉ ଆଧାରରେ କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇଦରକୁ ଧରିଦେବୁ, ଏବଂ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହାଇଦର ଧରାପଡ଼ିଛି ନା ଧରାପଡ଼ିନି। ବିରିୟାନୀ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଛି, ଇଏ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେହେତୁ ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳିଲା ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ପୁରା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 70 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4-5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇପାରିଥିବ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଯାଇଥିବ, ଯାହା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା। ଏ ସବୁ ଆଧାରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡିଜିପି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ଏକ ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି, ପୂର୍ବ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି, କ୍ୟାବିନ୍ କିଏ ବୁକ୍ କରିଥିଲା, କାହିଁକି ହାଇଦରକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ତାଲିକା ଏବଂ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୟ ହେଉଛି ଏଇଠି ରଖିବା ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।